Our cultural heritage is our pride. और इस प्राइड को जिंदा रखने के लिए बहुत सालों से बहुत एफर्ट करने वाली डॉक्टर कंवल खालिद इज विद अस टुडे. हिस्ट्री विल बिकम योर फ्यूचर. सब कॉन्टिनेंट की ब्यूटीफुल हिस्ट्री है. ये आपका करियर बनेगी, ये आपका फ्यूचर बनेगी. ये कब पता चला था? That was thanks to my father who was a professor of Urdu literature. My father was also a poet. History was my passion. उसको मैं enjoy करती थी करना. I was very much into making of things. Paint करना, drawings करना, designs बनाना. So this was something which was very much close to my heart. आपने बहुत सी फील्ड्स में बहुत कुछ किया. I got into Punjabi University और BFA Bachelor in Fine Arts वो और फिर MFA Masters in Fine Arts. उसमें I was into advertising and marketing, communication design जिसको हम graphic design कहते हैं, वो मेरे specialized थे. You chose this career because it was very close to your heart. You were enjoying it very much. Academics में जितने भी decisions थे, they were mine. I started doing my MPhil. I discovered second passion of my life and that was about the South Asian history of art, architecture, design, politics, heritage and culture. When I did my MPhil जब मेरा complete होता है, we got a topper. Topper, wow. I got the highest marks. और फिर मैंने miniature painting ही के ऊपर अपनी PhD भी की. My family is family of professors. So I got into this PhD program and that was a life changer for me. बहुत कुछ और भी किया बताएं. PhD के बाद मेरी फिर government job थी तो मेरी लाहौर museum में as a curator of painting collection. वहाँ पर बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा publications की. 2008 onwards जो है. Then I went for conferences. French government से भी आपने training ली? हाँ, French गवर्नमेंट ने जो है वो कल्चरल हेरिटेज के ऊपर जो ट्रेनिंग थी उस पर मुझे इनवाइट किया. 2014 में मुझे गेटी फाउंडेशन की तरफ से, वो इनकी कॉलेज ऑफ आर्ट एसोसिएशन है, उसकी तरफ से मुझे इनवाइट किया गया. मैं वहाँ जाके फिर वहाँ अपने पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया. मेजॉरिटी मेरे जो ट्रिप्स हैं उसमें मुझे बाहर की हुकूमतों ने टॉक्स के लिए बुलाना शुरू किया सक्सेस स्टोरी के तौर पर. मैंने प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के साथ बहुत काम किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के. आई मेट डिफरेंट हेड ऑफ द स्टेट्स, बल्कि एल के अडवानी साहब जब पाकिस्तान आए थे तो लाहौर का उनका जो चैप्टर था उसको मैंने ही सारा केटर किया था डिप्लोमेट्स के साथ. इस सफर में मेरे जैसी हजारों नहीं शायद लाखों खवातीन मौजूद हैं जो प्रोफेशनली भी साउंड हैं, घर भी अच्छे रखे हुए हैं, सक्सेसफुल भी हैं, उनके खावन भी उनसे खुश हैं, उनके माँ बाप उनसे खुश हैं. उन पे बात करने की दिस इज द रीजन वी कॉल यू हियर. थैंक यू. बिकॉज आई न्यू एवरीथिंग अबाउट यू एंड आई वांटेड टू इंटरव्यू यू आपकी सक्सेस के ऊपर. इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग. सक्सेस जो होती है उसके नीचे क्या है वो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है. ब्यूटीफुल कल्चर वी हैव, आई एम श्योर उसको प्रिजर्व करने में, उसको जिंदा रखने में, ये जो हमारा टेंजिबल कल्चर है इसको आपको प्रिजर्व करना, रिस्टोर करना ज्यादा मुश्किल लग रहा है, जिनको आप टच कर सकते हैं लाइक हमारी ये जो इमारतें हैं एंड ऑल दैट, या फिर इनटेंजिबल हमारा जो कल्चर है, हमारी जुबान, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इनको रखना ज्यादा मुश्किल लग रहा है? बहुत. जब तक पब्लिक को सेंसिटाइज नहीं करेंगे कि ये है क्या, तब तक उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो सकता. दूसरी बात ये आ जाती है कि जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं वो दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स कल्चर एंड हेरिटेज. साउथ एशिया कहीं पढ़ाया नहीं जाता था. आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसने पढ़ाना शुरू किया. अब ये हुआ है कि हुकूमतों में थोड़ी सी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, लेकिन इट्स क्वाइट लेट नाउ. हमने बड़ा कुछ खो भी दिया है. और उसमें सबसे बड़ा जो हमें मसला ये याद है कि हमारी पब्लिक जो है वो उनके बारे में एजुकेटेड नहीं है. हमारे पर हर किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. 2015 में एक चाइना और पाकिस्तान की एक जो कमेमोरेटिव फ्रेंडशिप के ऊपर जो वो स्टैंप आई थी, तो उसमें हमने मॉन्यूमेंट्स जो थे, एक चाइनीज मॉन्यूमेंट्स था और एक पाकिस्तान का शालमान बाग जो है उसको इस्तेमाल किया था. मोस्ट सेटिस्फैक्टरी पार्ट ऑफ ऑल दिस करियर, ऑल दिस जर्नी, जिसके आपको लगा हो कि बस एवरीथिंग वाज वर्थ इट. मैंने एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है जो कि मुझे यकीन है कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं उससे बहुत फ़ायदा उठाएंगी. वो यही कि जो मैंने आर्काइव्स का जो सारे का सारा है, उसको जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस, पाकिस्तान में रहते हुए उसका एक प्रोटोटाइप बनाना बहुत मुश्किल था. हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद. आर कल्चरल हेरिटेज इज़ आर प्राइड. और इस प्राइड को जिंदा रखने के लिए बहुत सालों से बहुत एफर्ट करने वाली डॉक्टर कंवल खालिद इस विद अस टुडे. अस्सलाम वालेकुम जी. डॉक्टर कंवल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल फाइन अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस. अच्छा, अभी मैंने जिक्र किया है कल्चरल हेरिटेज का. आपकी लाइफ का एक ये चैप्टर है सिर्फ जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं. देयर आर सो मेनी अदर चैप्टर्स व्हिच आई वुड लाइक कि उनके बारे में आप खुद बताएं कि उसके अलावा आप क्या क्या काम कर रही हैं. बट उससे पहले मैं आपसे एक
बहुत जिसके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ, हिस्ट्री विल बिकम योर फ्यूचर. हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की ब्यूटीफुल हिस्ट्री है जी, ये आपका करियर बनेगी, आपका फ्यूचर बनेगी, ये कब पता चला था? टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, लाइक सो मेनी अदर यंगस्टर्स ऑफ माय एरा एंड इवन टुडे, कि आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि जब आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं. लेकिन एक चीज़ जो थी वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा कॉमन थी, एंड दैट वाज थैंक्स टू माय फादर हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ उर्दू लिटरेचर. एट आवर होम लिटरेचर पे बहुत बात होती थी उर्दू और इंग्लिश में, तो हम लोग जो हैं वो किताबें जो हर वक्त मौजूद होती थी, शेर व शायरी बहुत, माई फादर वॉज ऑल्सो पोइट, तो वो सारे हवाले जो हैं उस दौर के जो बड़े हमारे अजीम शान शोरा हैं, सूफी तबस्सुम, मिर्ज़ा अदीब, दे वर ऑल माई फादर्स फ्रेंड्स. ज़बरदस्त. तो इनका हमारे घर में बहुत आना जाना था. तो वो जो मेरा बचपन एक गुजरा, उसने मुझे नहीं अंदाज़ा था कि अनकॉन्शियसली, ऑल्दो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, लेकिन उसने मुझे डेफिनेटली इम्पैक्ट कर दिया कि आर्ट की तरफ आपको ले गया, आर्ट की तरफ, लिटरेचर की तरफ, राइटिंग की तरफ. देन व्हेन आई वाज डूइंग माय स्कूलिंग एंड ऑल दैट, तो स्कूलिंग में बहुत जल्दी मेरा एक जो पर्सनली एक था कि आई वाज वेरी मच इनटू मेकिंग ऑफ थिंग्स, पेंट करना, ड्राइंग्स करना, डिज़ाइंस बनाना, कुछ इस किस्म का. लेकिन मैट्रिक तब वालदैन ने जब करवाया तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं, यू बेटर डू इट इन साइंसेज. एंड आई थिंक दोज टू इयर्स वर द वर्स्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स. बट देन ही सेड कि आप उसके बाद जो है ना, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. सो मैंने जब इंटर ज्वाइन किया तो इंटर में आई गॉट इनटू फाइन आर्ट्स, एंड देन उसी में मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री भी था. जब मैंने फाइन आर्ट्स शुरू किया तो उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट. दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड स्टडिंग इनिशियली. And then I was very fortunate that I come across a very amazing teacher, Dr. Musarrat Hassan. So she was my art history teacher, and later on she became my supervisor as well in my PhD. एक अच्छा टीचर आपका पाथ बना देता है. मेरा रास्ता डिटर्मिन और डिफाइन करने में उनकी उस जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का बहुत हाथ था. अच्छा, उनकी भी मुझे दाद देनी होती है कि मर्दम शनासी की, उन्होंने तब मुझे कहा कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर फील्ड. I never noticed it. Sahi. And then after inter, I got into Punjab University. Or BFA, Bachelor in Fine Arts. Or phir MFA, Masters in Fine Arts. So, usme I was into advertising and marketing. Communication design, jisko hum graphic design kehte hain, wo mere specialized the. To us dauran mein bhi overall, history was my पैशन. मतलब उसको मैं इंजॉय करती थी करना. आर्ट्स ओवरऑल ही मैं इंजॉय करती हूँ. तो उसमें हमने मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई, फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाई एंड ऑल दैट. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी मच क्लोज टू माय हार्ट. सो यू चोज दिस करियर बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू वर एंजॉयिंग इट वेरी मच, यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपके मुताबिक था, आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक था. जिंदगी के शुरू में ही अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं मैं उसको कहूँगी, अनकॉन्शियसली मैंने एक ये फैसला कर लिया था कि अपनी जिंदगी के बारे में जो भी डिसीजंस होंगे वो मैं खुद लूँगी. इट वॉज एन अनकॉन्शियस थिंग, मैं इसको बिल्कुल कॉन्शियस एफर्ट नहीं कहती हूँ. तो इसलिए एकेडमिक्स में जितने भी डिसीजंस थे दे वर माइन, मैंने उनको अपनी इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंगली, एंड देन फॉर्चुनेटली आई हैड द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय एमफिल, तो यहाँ पर मैं आई डिस्कवर्ड सेकंड पैशन ऑफ माय लाइफ, एंड दैट वाज अबाउट द साउथ एशियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, पॉलिटिक्स, हेरिटेज एंड कल्चर. सो दैट वॉज ऑल कम्बाइंड टुगेदर, एंड देन आई गॉट सो फैसिनेटेड विद इट. ये तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी अपना रीजन जो है वो इतना रिच है और उसमें इतना कुछ मौजूद है. आज तक कभी किसी ने उस पर बात ही नहीं की थी हमसे. तो जब उस पर बात करनी शुरू की तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय पीएचडी, सो दैट वाज ऑल अबाउट साउथ एशियन आर्ट्स. और फिर मैंने मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर अपनी पीएचडी भी की. सो दैट इज माई एकेडमिक कैरियर एंड दैट इज माई पैशन फॉर आर्ट्स. इसके साथ ही दूसरे चैप्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं बिफोर वी गो फर्दर. बहुत ही चीज़ों में आप इन्वॉल्व रही हैं, पढ़ाती भी रही हैं और बहुत ही चीज़ों से लिंक्ड है, खुद बताएं. पहले तो बात ये कि वो ज़्यादा डिग्री ख़त्म करने के बाद इमीडिएटली आई गॉट मैरिड, एंड देन आई गॉट इन टू द गवर्नमेंट जॉब, जिसमें कि मेरा कोई मेरा ख्याल था बिकॉज माई फैमिली इज़ फैमिली ऑफ प्रोफेसर्स. सो मैंने ये ज़िंदगी में सोचा हुआ था कि मैंने पढ़ाना नहीं है. ये तो डिसाइडेड था ये सब पढ़ाते हैं, मैंने नहीं जाना. सो आई वॉन्टेड टू गो इन टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिकॉज आई न्यू कि मैं मार्केटिंग में मैं अच्छी थी. माई फादर एनकरेज्ड मी, ही सेड कि व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर दैट. तो मैंने कहा मैंने
मैंने नहीं पढ़ाना. ही सेड नहीं नहीं बेटा करके तो देख. आई गॉट द जॉब. और उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाते हैं तो आपको इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स पेश कर आती हैं फौरी तौर पे वो ये होता है कि आपको लाहौर से बाहर पोस्टिंग मिलती है. तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कि मुझे उस वक्त गुजरना पड़ा. बट एक चीज़ ये थी कि आई डिड नॉट गिव अप. डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. यू शुड बी जस्ट वाइज इनफ एंड डिटर्मिंड कि आप करना है. और एक चीज़ जो मैं इस दौरान में देख रही थी दैट माई फादर सॉ इन मी लेकिन मैं नहीं उसको जान पाई. और वो ये था कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई इन्जॉय टीचिंग. सो आई गॉट इन टू दिस पी एच डी प्रोग्राम एंड दैट वॉज अ लाइफ चेंजर फॉर मी. सो डूइंग माई पी एच डी विद थ्री चिल्ड्रन दैट वॉज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ माई मैरिड लाइफ. लेकिन ऑफ कोर्स द क्रेडिट अगेन गोज अ लॉट. बल्कि मैं हंसती होती थी जब मैं पढ़ रही थी पी एच डी के जो कोर्स वर्क में तो मैं कहती थी ऊपर अल्लाह मियाँ और नीचे आपका मियाँ. सो दैट इज हाउ यू वर्क. सपोर्ट आपको हमेशा किसी की चाहिए होती है दुनिया में भी. चाहिए होती है बिल्कुल चाहिए होती है. लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर पी एच डी करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है. अच्छा मैंने तो की नहीं तो मुझे बताएं कैसे. वो इसलिए कि यहाँ पर बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई भी जो इंस्टीट्यूशन में लोग बैठे हैं चाहे वो लाइब्रेरीज में है म्यूजियम्स में है या किसी भी जगह पे वो बड़े माइजर हैं. They are not ready to share information. No, I'm not saying all of them, but majority of them. आप अच्छा मजे की बात ये है कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन यही है कि आपके पास जो लोग आएंगे आपने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. लेकिन उनका हमारे यहाँ पर ये है कि अगर उनके पास कोई किताब पढ़ी हुई है या कोई पेंटिंग पढ़ी हुई है या कोई काम है तो वो स्कॉलर के साथ जो है स्टूडेंट के साथ कभी भी शेयर नहीं करते हैं अगर वो पाकिस्तानी है. बाहर का होगा ना तो सारे बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं. उसकी वजह से मैंने बहुत बहुत सफर किया. मुश्किल हो जाती है बहुत मुश्किल. आप यकीन कीजिए मुझे अभी भी याद है वो वक्त के बाज़ औक़ात मैं जा रही होती थी तो गाड़ी में I used to cry. Obviously. I used to मतलब with tears, proper tears. और मैं drive करती हुई जाती थी. अभी भी मुझे याद है माल रोड से कनाल तक जाते जाते और उसमें फिर मुझे ये होता था कि मैंने बच्चों को स्कूल से भी लेना है उनको घर आके खाना भी देना है फिर उनको पढ़ाना भी है. सो ऑल दिस थिंग वॉज गोइंग ऑन. और एक भी चीज आपकी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा दिन आपका जी. बाद इस सारे सिनेरियो के अंदर when I did my MPhil जब मेरा कम्प्लीट होता है तो बल्कि मेरे दोस्त जिस दिन हमारा रिजल्ट था एक ऑन द लाइटर नोट तो मेरी दोस्त ने मुझे फ़ोन कर रही कि क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का क्या बन रहा है तुम्हारा. मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं है और मुझे डर लगे कि पता नहीं मैंने पास भी होना है कि नहीं. तो आप लिटरली मेरे हबी जो थे हस्बैंड था तो मैंने कहा यार जाओ जाके मेरा रिजल्ट लग गया पता करके. तब इतना मुझे कहा कि यू आर द टॉपर. आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स. फिर जब मेरे इर्द गिर्द के लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा देखा झूठ बोलती थी इसको सारा पता था. बट ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया. ये मेरा जितना सफर था ना इसमें मैंने अपने बच्चों को कॉन्शियसली अपने साथ रखा. मेरे बच्चों को पता था कि माँ मेहनत कर रही है उनको पता था माँ हमारे लिए कर रही है बिल्कुल. उनको ये भी पता था कि माँ का पैशन है उसको शौक है एंड शी इज अ हैप्पियर पर्सन. सो इट्स अ प्राइड फॉर देम कि आज यू आर डॉक्टर कमल खालिद. अगर पीएचडी ना होती तो ये आपके साथ टाइटल ना लगता. फिर आपने बहुत सी फील्ड्स में बहुत कुछ किया. सो उनके लिए भी आई एम श्योर दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट. लाइक यू टॉट इन ऑल द गुड यूनिवर्सिटीज हियर. इट्स अ प्राइड फॉर देम. और उसके अलावा आप डायरेक्टर भी हैं पंजाब आर्काइव की. बहुत कुछ और भी किया बताएं. पीएचडी के बाद मेरी फिर गवर्नमेंट जॉब थी तो मेरी लाहौर म्यूजियम में एज अ क्यूरेटर ऑफ पेंटिंग कलेक्शन मेरी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई. उसके बाद बीच में जॉब में भी बहुत सारे इश्यूज़ कि वहाँ पर बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस की इंटरनेशनली. मेरा जो एक बनता है प्रोफाइल वो 2008 ऑनवर्ड्स जो है बड़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह. देन आई वेंट फॉर कॉन्फ्रेंसेस. मैं जाती रही दुनिया में जगह जगह वहाँ पर जाके मैंने अपने बहुत सारे मुल्कों में मैंने फ्रेंच गवर्नमेंट से भी आपने ट्रेनिंग ली. हाँ फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो है वो कल्चरल हेरिटेज के ऊपर जो ट्रेनिंग थी उस पर मुझे इन्वाइट किया. फिर 2014 में मुझे गेटी फाउंडेशन की तरफ से जो है वो इनकी कॉलेज ऑफ आर्ट एसोसिएशन है उसकी तरफ से मुझे इन्वाइट किया गया. मैं वहाँ जाके फिर वहाँ अपने पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया. फिर इसके अलावा मेजॉरिटी मेरे जो ट्रिप्स हैं उसमें मुझे बाहर की हुकूमतों ने ज़्यादा बुलाया है. पाकिस्तानी हुकूमत ने आज तक मुझे को खास नहीं भेजा. लेकिन अब जब
अब हर जगह के अपने प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं म्यूजियम में नौकरी कर रही थी तो वहाँ पर उसके अपने इश्यूज थे उस इंस्टीट्यूशन के, जो कि बड़े सीरियस इश्यूज हैं, उनको टैकल किया, उनको ओवरकम करना। बाकी लोगों को अगर अपने आप को मनवाने के लिए 10% ताकत लगानी पड़ती है, हमें 200% लगानी पड़ती है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार नहीं है कि इतनी जीनियस हो सकती है, एक पाकिस्तान से आई हुई औरत इतनी जीनियस हो सकती है एंड शी कैन डू समथिंग सो। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए कल्चरल शॉक होता है कि पाकिस्तान से आने वाली खातून जो है कि वो बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हर सोप स्टोरीज। उसके बाद मुझे ना बाहर के मुख्तलिफ फोरम्स पे उन्होंने टॉक्स के लिए बुलाना शुरू किया, सक्सेस स्टोरी के तौर पे भी, ये इस तरह से दे वर लुकिंग फॉर कि धोती धोती आएगी कि जी मेरा मियाँ भी जालिम तो मेरा बाप भी जालिम, तो दे वॉन्ट टू डिक इट आउट, दे वॉन्टेड टू, बट आई हैड All the good things to talk about. Exactly. क्योंकि मैं इन मर्दों के बगैर यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी। फिर इस दौरान में मैंने प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के साथ बहुत काम किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। अच्छा। फिर आई मेट डिफरेंट हेड ऑफ द स्टेट्स, बल्कि एल के अडवानी साहब जब पाकिस्तान आए थे तो लाहौर का उनका जो चैप्टर था उसको मैंने ही सारा केटर किया था, फिर डिप्लोमेट्स के साथ। देन आई वेंट टू, इस सफ़र में मेरे जैसी हज़ारों नहीं शायद लाखों ख़वातीन मौजूद हैं जो प्रोफेशनली भी साउंड हैं, घर भी अच्छे रखे हुए हैं, सक्सेसफुल भी हैं, उनके खावन भी उनसे खुश हैं, उनके माँ बाप उनसे खुश हैं, तो ये उन पर बात करने की, दिस इज़ द रीज़न वी कॉल यू हियर। थैंक यू, बिकॉज आई न्यू एवरीथिंग अबाउट यू एंड आई वॉन्टेड टू इंटरव्यू यू आपकी सक्सेस के ऊपर, किस तरह आप घर को लेके और सब अपने प्रोफेशन को लेके किस तरह आगे चलती हैं बड़े वर्सेटाइल तरीक़ों में, यानी कि कभी आप आ रही हैं, कभी कहीं कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, कभी आप म्यूजियम में जा रही हैं, कभी आप पंजाब की वो डायरेक्टर हैं आर्काइव डिपार्टमेंट की। सो सो प्राउड ऑफ यू एंड आई वांटेड अदर पीपल टू नो, स्पेशली विमेन टू नो कि इफ दे वांट टू डू इट, वांट टू डू समथिंग ग्रेट, यू हैव दिस पैशन एंड यू आर स्ट्रांग इनफ, देन डोंट गिव अप क्योंकि म्यूजियम के बाद फिर लाहौर कॉलेज, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर अब आर्काइव्स में। तो कहने का सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि डोंट गिव अप, लेकिन एक बात ये जहन में रखिएगा कि ये रास्ते आसान नहीं हैं, ऐसा नहीं होता कि आसानियाँ हों, लेकिन रास्ते आसान बन जाते हैं जब आपकी नीयत अच्छी हो, डिटरमिन्ड हो और आप डिटरमिन्ड हो एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। वक्ती तौर पे आपको बहुत बहुत सेटबैक्स आते हैं, देयर वर मोमेंट्स इन माय लाइफ व्हेन आई वाज वेरी डाउन। हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ऑब्वियसली दैट्स इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सक्सेस जो होती है उसके नीचे क्या है वो एक बहुत बड़ा एक ग्लेशियर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी सक्सेसफुल शख्स को और खसूसन किसी भी सक्सेसफुल औरत के ऊपर जब आप कमेंट करने लगें तो ये ज़रूर सोचिएगा कि ये जो आपको इतनी सी सक्सेस नज़र आ रही है उसके नीचे उसकी पता नहीं कितने सालों की मेहनत और शामिल है, और वो मेहनत जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एंड इट्स वेरी गुड दैट यू टॉक्ड अबाउट इट कि आपको अपलिफ्ट करने वाले बहुत अच्छे लोग थे, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड एंड योर फादर एंड योर फैमिली ऑफ कोर्स, बट लेकिन बहुत से लोग आपको खींचने वाले भी थे, आपको गिल्टी करने वाले और दैट यू लीव एवरीथिंग यू सेट होम एंड वो बहुत ज़्यादा लोग थे, बट उससे आपने घबराना नहीं है और उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, लोगों का काम है कहना। उसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, जैसे मेरी जो हमेशा से प्रायोरिटी रही, पहले मेरे माँ बाप थे, आई वॉज आंसरेबल टू देम, और मेरी शादी के बाद मेरा हस्बैंड और हस्बैंड के बाद मेरे बच्चे, तो उनको मैं रखती हूँ, बाकी जो इर्द गिर्द चलती है वो ज़्यादा सीरियसली ले लेना चाहिए, लेकिन वो दुख से दूर होता है। आप यकीन कीजिए कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, आप उनके साथ सिंसियर होते हो, यू वांट द बेस्ट फॉर देम, और जब वो आपके साथ ना तो ऑब्वियसली दुख होता है, बट डोंट टेक इट टू योर हार्ट, डोंट टेक देम सीरियसली। लेकिन इसमें यही बात होती है, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। देन आई केम अक्रॉस सम वंडरफुल फ्रेंड्स, वो दोस्त जो कि आज तक मेरे पे बहुत प्राइड लेते हैं, मुझे इंजॉय करते हैं, मेरी सक्सेस को जो है सेलिब्रेट करते हैं, वो जो दोस्त होते हैं आपके वो फिर आपकी सपोर्ट बन जाते हैं, आपकी ताकत बन जाते हैं, आपकी एनर्जी बन जाते हैं, तो वो चीज़ जो है आपकी साथ साथ चलती है। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं। एक बात सिर्फ ये जहन में रखिए कि हर फर्द के अंदर अल्लाह ताला ने एक मीज़ान रखा हुआ है जो आपको बताता है कि यही सही है और ये गलत है। अपने उस सही और गलत को पहचानिए और उसके मुताबिक फैसले करते चाहिए, बाकी बरकत डालने वाली ज़ात अल्लाह की। आपका इंस्टेंट आपका अपने अंदर से खुद आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है,
और वो 24 घंटे आपको बताता रहता है, तो उसको फॉलो कीजिए. और आप ये देखिए कि मैंने अब जो जिस तरह की मैंने पैशन को फील किया है, अपनी इंस्टिंक्ट को लिया, आई अप्लाइड इट टू माय चिल्ड्रन एज वेल. एज आई सेड, आई हैव टू डॉटर्स एंड टू सन्स. वो चारों के चारों उन प्रोफेशंस में गए हैं जो उनको पसंद थे. और अब मैं देखती हूँ कि अच्छा, अगर आप अपनी पसंद के प्रोफेशन में चले गए, देन मनी, रिस्पेक्ट एंड फेम, इट फॉलोज यू. सही. और सबसे बड़ी बात ये है कि व्हेन आई लुक एट देम, तीन उनमें अब प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, चौथा अभी पढ़ रहा है. सबसे बड़ी बात ये कि दे आर हैप्पी बट दे आर डूइंग, जो वो काम करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो उसको इंजॉय कर रहे हैं. नन एट ऑल, नन एट ऑल. तो प्लीज़ अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए, उनका जो भी कोई उनमें टैलेंट है उसको रिकग्नाइज कीजिए, और फिर उनको उस तरफ एनकरेज कीजिए. ब्यूटिफुल कल्चर वी हैव, आई एम श्योर उसको प्रिजर्व करने में, उसको ज़िंदा रखने में, उसकी अवेयरनेस में बहुत एफर्ट कर रही होंगी आप. और मुझे ये बताएं, व्हाई इज़ इट डाइंग? और ये जो हमारा टेंजिबल कल्चर है, इसको आपको प्रिजर्व करना, रिस्टोर करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, जिनको आप टच कर सकते हैं, लाइक हमारी ये जो इमारतें हैं एंड ऑल दैट, या फिर इनटेंजिबल हमारा जो कल्चर है, हमारी ज़ुबान, हमारा ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इनको रखना ज़्यादा मुश्किल है. विच वन इज़ डाइंग मोर क्विकली एंड यू फील इट्स मोर डिफिकल्ट टू रिस्टोर? बोथ. बोथ? बोथ. पहली बात तो ये है कि आप जब तक पब्लिक को सेंसिटाइज नहीं करेंगे कि ये है क्या, तब तक उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो सकता. दूसरी बात ये आ जाती है कि जो हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, वो दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स कल्चर एंड हेरिटेज. अब आके जो है, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स और सो, अब चीज़ें ऐसा ऐसा चेंज होनी शुरू हो गई हैं. आप यकीन करें कि जब साउथ एशिया कहीं पढ़ाया नहीं जाता था, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसने पढ़ाना शुरू किया, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में, एनसीए में, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर एफसी कॉलेज के अंदर. मतलब आई हैव बीन एज अ विजिटिंग फैकल्टी बहुत जगहों पर मैंने किया है. तो वहाँ पर जब शुरू शुरू में पढ़ाती थी, तो लोगों ने कहा ये क्या फजूल कुकू कौड़ों का आर्ट पढ़ाती है हमें. ये मैंने सुना, वो मेरे खिलाफ एप्लीकेशंस जाती थी. बट देन वंस दे रियलाइज्ड कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो दे वर हुक टू इट. अब ये हुआ है कि हुकूमतों में थोड़ी सी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, लेकिन इट्स क्वाइट लेट नाउ. हमने बड़ा कुछ खो भी दिया है. तो लेकिन वो कहते हैं ना कि इट्स बेटर लेट देन नेवर वाली बात हो जाती है, कि वो अब लेके तो चीज़ों को चल रहे हैं, अब हमें उन चीज़ों को बचाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है. और उसमें सबसे बड़ा जो हमें मसला ये याद है कि हमारी पब्लिक जो है वो उनके बारे में एजुकेटेड नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो मैं समझती हूँ कि आप जो भी कुछ करना है, पहले यू नीड टू एजुकेट योर पब्लिक कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी ये चीज़ों की सिग्निफिकेंस क्या है. अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझे जो एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि हमारी जो यूथ है, वो इस चीज़ के बारे में बड़ी कॉन्शियस हो गई है. और उन्होंने, दे आर ट्राइंग टू गेट बैक टू दोज रूट्स. और उसकी आप देखिए कि अगर आप इंटरनेशनली जितने भी हमारे जगह हैं, या हमारे लोकली, आप रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, आप कावा खाने देख लीजिए, तो उन पे आपको नाम जो है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, तो वो सारे हमारे लोकल नाम आने शुरू हो गए. हमारे फैशन ब्रांड्स ने लोकल नाम इस्तेमाल करने शुरू कर दिए. एंड इवन ये जो कावा खाने वगैरह बने हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है अंदर आप देखें तो बड़ा बहुत ज्यादा लोकल है. तो मैं समझती हूँ कि ये जो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, के नई जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी स्मार्ट है वो, और हम जैसे लोग जो कि इनको इन डेप्थ जानते हैं, उनका एक कम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि नई जनरेशन जान सके कि अगर हम ये अजरक इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम खुस्से पहन रहे हैं, या हम जो भी कोई अपनी ट्रेडिशनल इंडिजिनस चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, बैकग्राउंड क्या है. तो आई थिंक दे विल बी एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड इन मच बेटर एंड मोर इफेक्टिव वे एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे आर डूइंग नाउ. बड़ा दुख होता है डॉक्टर कंवल, आई बीन टू मैनी मैनी कंट्रीज, ऑलमोस्ट लाइक 25-30 कंट्री तो ईजिली आई कैन काउंट कि मैं गई हुई हूँ. और मुझे बहुत शौक है कि मैं जाते साथ ही उनकी कोई हिस्टोरिकल जगहों पर जाऊँ, यू नो, विच हैज़ सम हिस्ट्री, और जाके वो देखूँ. सो आई बीन टू लाइक मैनी मैनी प्लेसेस. मैंने किसी मुल्क में किसी शहर में ऐसा नहीं देखा कि आप किसी हिस्टोरिकल जगह पर बड़ी सीरियसली अपना माइंड सेट बना के जाते हो कि आज हम ये देखने जा रहे हैं हिस्ट्री, इतने 100 साल पुराना, इतने 1000 साल पुरानी जगह देखने जा रहे हैं.
वहाँ पे जाके आप बाहर ठेलियाँ लगी हों खानों की, और वहाँ पे कतलम में पापड़ मिल रहे हो, यू नो, सॉरी टू से, इट्स अनथिंकेबल, इट्स अनथिंकेबल, ये इट्स लाइक अ सिन. बहुत दुख होता है. लाहौर फोर्ट अभी जाना हुआ और काफ़ी अमेरिका वगैरह इधर उधर से गेस्ट आए हुए थे, सो इट वॉज़ ऑल अबाउट यू नो दोज ठेले वाले, और वहीं खा के आधा फेंका हुआ है. नॉन सीरियस विजिटर्स, क्यों? क्योंकि 50 रुपये की टिकट है. वो जी मौसम अच्छा है, सैर करने, लड़कियाँ देखने, छेड़छाड़ करने, और दे हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्लेस. दे हैव नो क्ल्यू कि उसमें क्या है, वो कहाँ पे है. और बाकी बातें मैं आपसे करूँगी नहीं, यू नो जिस तरह से वो अब्यूज़ कर रहे होते हैं उस जगह को, कर रहे होते हैं. सो वाई इज़ दैट? आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो अपनी चीज़ों की, ठीक है, वहाँ पे वही बंदा आए हु इज़ सीरियस अबाउट इट, उसकी आप टिकट महंगी रखो. क्योंकि जब आप पैसे खर्चते हो देन यू नो, आप जिम इंस्ट्रक्टर क्यों रखते हो? बिकॉज आपने पैसे दिए इंस्ट्रक्टर को, आपको पता है आपने रोज़ जाना है, तो आपके रोज़ इतने पैसे आपके ज़ाया जा रहे हैं. इफ़ यू जस्ट यू नो गो फॉर इट, तो वो नहीं रेगुलर. इसी तरह जब एक बंदा ज़्यादा पैसे देगा, उसको पता है कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर कैसे बिहेव करना है, और मैंने वहाँ एक्चुअली यू नो आई हैव टू विजिट एंड सी दैट प्लेस और इन्जॉय इट. क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? इट्स सच अ शेमफुल थिंग कि बहुत सी और जगह हैं. अगर आपने 50 रुपये दे के जाना है, तो हमारे अपने शहर की मैं बात करूँगी, हमारे लाहौर शहर में देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेस वेयर यू कैन गो. ऐसी बात नहीं है कि आप उनको किसी चीज़ से डिप्राइव कर रहे हो, बट एटलीस्ट ये 4-5-6 जो बड़ी बड़ी जगह हैं, जो जिनसे हम बहुत प्राइड फील करते हैं, इनको प्रिजर्व किया जाए और इसका एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि जो भी वहाँ पे जाए दे फील गुड अबाउट इट. मैंने अभी आपसे बात की कि दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो ये कि पब्लिक शुड बी एजुकेटेड अबाउट इट. डिप्राइविंग दैम ऑफ एनी पर्टिकुलर मोन्यूमेंट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, जो कि हमारे मुल्क में होता है. कि हमारे मुल्क में प्रिवेंशन की बजाय वो चीज़ आउट ऑफ बाउंड कर दी जाती है, जैसे कि बसंत के साथ हुआ, कि हम एक सादा सी चीज़ काबू नहीं कर सके जिसको काबू करना बड़ा आसान था. एक दिन। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट के रिट, ये दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी हैं. अब जिन मॉन्यूमेंट्स की आप बात कर रही हूँ, जो उनके पब्लिक के जो बॉडी लैंग्वेज है, वहाँ पर जाकर वो 50 रुपये की टिकट लेके सलूक करते हैं, वो सब कुछ है. अब इसमें ये देखिए कि उन जगहों पे अगर सपोज़ हम 1,000 रुपया टिकट कर देते हैं, तो मैं आपको एक बात, क्योंकि मैं लाहौर म्यूज़ियम में भी बड़ा सा पोस्ट रही हूँ, वो सब कुछ, हमारे यहाँ पे जो 1,000 रुपये की टिकट लेके आने वाली वो जो इलीट क्लास है, वो कभी भी शाही किले के ऊपर 10,000 नहीं खर्चेगी, माजरत के साथ. वो इंग्लैंड में, अमेरिका में जाके तो म्यूज़ियम्स में इतने पैसे दे देंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे. क्योंकि हर वक्त हमें फ़ोन आते रहते थे और बड़े हाई अप लोगों से कि जी यार हमने आना है, तो उनसे कहना टिकट ना लें, ना लें पास से. और हमने बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट भी करना किया है, खुद किया है. कि तो एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि ये हमारा एक एटीट्यूड है. दूसरी बात ये आ जाती है कि हमारी जो बहुत जो पढ़ी लिखी क्लास है, उनमें से मेजॉरिटी इन मॉन्यूमेंट्स पे आना पसंद भी नहीं करती. अब आज अगर वो 50 रुपये वाले को किले में आना बंद कर देंगे ना, तो आप उनकी देखिएगा फुटफॉल जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा, वो लोग कोई भी वहाँ पर नहीं आएंगे. और ये हमारे सब बड़े मॉन्यूमेंट्स की मैं आपको बात बता रही हूँ. तो ये उन लोगों को जो आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा ये कम्बिनेशन है ये बहुत सारी चीज़ों का. पहली बात, आई बिलीव इन एजुकेशन, कि आप अपनी जो नेशन है उसको एजुकेट करें अबाउट दीज थिंग्स. दूसरी बात याद रखती है कि जहाँ तक कूड़ा फेंकने का सवाल है या गंद फेंकने का सवाल है, आप ये देखिए ना कि सिंगापुर में है गालिबन कितने सौ डॉलर में जेल हो जाती है, जेल हो जाती है. तो एक जब किसी को पता होगा ना कि ये मैंने रैपर जो है यहाँ फेंका, तो अभी मुझे 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, तो आप यकीन करें वो कोई सोचेगा नहीं ये काम करने का. तो ये इन चीज़ों को आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. अगर विल होएगी तो उसका रास्ता भी निकल आएगा, लेकिन अगर विल नहीं होगी तो फिर रास्ता भी नहीं निकलेगा. अच्छा, एक और ट्रेजेडी फिर ये है कि हमारे यहाँ पर हर किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल, सजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो अगर वो कॉन्सेप्ट आ जाएं, आप शाही किले ही की बात करें, तो अगर वहाँ के गार्ड बेचारे जो है किसी को ये कह देना कि आपने ये गन नहीं डालना, तो उसके गले पड़ जाते हैं. अच्छा,
अब उस गार्ड को जो है वहां के ऑफिसर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल, लॉ उसके पीछे होना चाहिए. अच्छा, वो हो सकता है उस बंदे को पकड़ के किसी हाई अप के पास ले जाए, तो उसने कहना ठहर जा मैं हमें फोन कराना है, तो वो गार्ड जो है वो अम्बेरस होता है. ना सिर्फ अम्बेरस होता है बेचारा, बल्कि ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इसको रोकने का. तो ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है. ये जब चीजें शायद कभी हम इनको जेल इन कर जाए, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद होता है. बिल्कुल, अगर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका सलूशन जल्दी ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि सब चीजें और तेजी से देखी. अब तो बहुत स्पीड से जा रही है, बहुत स्पीड से खत्म हो रही है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं. आपका प्रोफाइल देख रही थी तो बड़ा मजा आया जान के 2015 में आपने एक स्टैंप की, वो वो कैसे, लाइक हाउ डिड यू मेक इट, और क्या था, क्या बना हुआ था उसके ऊपर, स्टैंप बनाई थी? जी एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो स्टैंप कलेक्शन और डिज़ाइन और ये सारा जो है ना, वो प्राइमरीली मेरे हस्बैंड का पैशन है. ही इज़ वेरी मच इनटू ऑल दिस थिंग, तो आप जाहिर ही बात है कि उनसे ये मेरे तक भी आया है. तो वो डिज़ाइन भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं. तो ये 2015 में हम जो डिज़ाइन करते हैं हम दोनों मिलके करते हैं काम. ये इसमें जो है हमारा ये काम, हमारा तकरीबन सारे ही काम हम दोनों मिलके ही करते हैं. दो आर्टिस्टिक घर में एक, हाँ बहुत ज्यादा हमारा, मेरा कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि जिसमें मैं वो ना हो और उनका कोई नहीं कि जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हो. तो वो उस सिलसिले में जो थी 2015 में एक चाइना और पाकिस्तान की एक जो कमेमोरेटिव फ्रेंडशिप के ऊपर जो वो स्टैंप आई थी, तो उसमें हमने मॉन्यूमेंट्स जो थे, एक चाइनीज मॉन्यूमेंट्स था और एक पाकिस्तान का शालमार बाग जो है उसको इस्तेमाल किया था. तो वो ब्लेंड करके उनको वो जो है हमने फिर डिजाइन किया एंड इट वॉज अ वेरी गुड डिज़ाइन. लेकिन ये जो कितने साल चला वो तो टिकट्स तो फिर रहती हैं, टिकट्स तो रहती हैं, वो चलती हैं. कुछ टिकट्स जो है वो रिपब्लिश भी होती रहती हैं. उसके अलावा 2018 में भी फिर काम हुआ, लेकिन बाय नेम जो है दो स्टैम्प्स मेरे नाम से हैं. अच्छा, बाकी स्टैम्प्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड के नाम से, जैसे अभी OIC की उन्होंने डिज़ाइन की थी, फिर जो करतारपुर की जब राहदारी ओपन हुई है तो उस दिन जो कमेमोरेटिव स्टैम्प आई थी वो भी मेरे हस्बैंड ही की डिज़ाइन हुई भी थी, लेकिन उसमें भी उस स्टैम्प पे नाम उनका है तो ओनरशिप उनकी है, लेकिन हम दोनों ने इकट्ठे उस पर नाम होता है स्टैंप पे, मैंने कभी गौर नहीं किया. बिल्कुल छोटा सा कहीं लिखा होता होगा, मिनिएचर नहीं. स्टैंप जो है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का डिजाइन है, उसके ऊपर नाम नहीं होता, तो उसकी एक शीट होती है उसके साथ विच इज नॉट गिवन टू जनरल पब्लिक, उसमें नहीं आते हैं. तो वो उस शीट अटैच होती है उसके साथ, उसके ऊपर जो है वो नाम जो है वो उसका राइटअप होता है कि ये किस चीज के बारे में क्या है, तो वो उसके अंदर मौजूद होती है, तो वहां पर नाम लिखा जाता है. लेकिन मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात इसमें ये भी बताती चलूं, और मैं बड़ी चीजों को फ्रैंकली इस पर कहती हूँ कि कल्चर हेरिटेज आर्ट के अंदर देयर इज नो मनी, नन एट ऑल. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फोरम्स पे हमें लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है बात करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये कि पीपल वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेट टू पे यू. ये मुझे पता है कि आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रगल करता है. नाउ आई नो द रीजन क्यों करता है, बिकॉज वो जो भी काम कर ले उसको फाइनेंशियली कभी भी उसको कंपनसेट नहीं किया जाता है. और ये वही लोग हैं जिनके नाम पे कि वो क्राउड पुल करते हैं, लेकिन उस शख्स को जो है आप भूल जाते हैं कि भाई इसकी भी ज़ाहिरी बात है, फिर इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है ना. मेरी जिंदगी में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पाकिस्तान में किसी फोरम में पेपर प्रेजेंट किया हो और मुझे उसका एक पैनी भी मिला हो. इंटरनेशनली हम जब भी जाते हैं दे ऑलवेज पे, मुझे नहीं याद कि वहाँ पर किसी कॉन्फ्रेंस में जाके जो है उन्होंने स्टे भी आपका होता है, आपकी बाहर की फ्लाइट भी होती है, और फिर आप जब वहाँ जाके देते हैं आपका TA भी, आपको अलाउंसेस मिलते हैं डेली के, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, विच इज़ अ बिग ट्रेजेडी. अच्छा, जाते जाते ज़रूर पूछना चाहूँगी, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री पार्ट ऑफ ऑल दिस करियर, ऑल दिस जर्नी, जिसके आपको लगा हो कि बस एवरीथिंग वॉज वर्थ इट? अच्छा, मेरा हमेशा इसे रहा कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वॉज ऑलवेज इन टू रिसर्च एंड टीचिंग, दैट वॉज माई पैशन, दैट्स वट आई हैव बिन डूइंग. तो ये जब पोर्टफोलियो मुझे दिया गया तो मेरा आई वॉज नॉट वेरी यू नो काइंड ऑफ हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मेरा ख्याल था कि यार मेरा टाइम ज़ाया होगा. लेकिन जब मैंने इस पोर्टफोलियो को ज्वाइन किया और मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया, तो उससे मुझे ये पता चला अगर मैं कोई डिफरेंस लेके आना चाह रही हूँ तो मुझे फिर इस पोजीशन पे बहुत पहले आ जाना चाहिए था. और अब जबकि मैं इस पोजीशन में आ चुकी हूँ,
तो उसके अंदर जो मैंने एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है, जो कि मुझे यकीन है कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं उससे बहुत फ़ायदा उठाएंगी, वो यही कि जो मैंने आर्काइव्स का जो सारे का सारा है उसको जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस, डिजिटाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका हुआ था बट इट वॉज़ गोइंग नोवेयर बिकॉज यहाँ पर बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसकी. उसको जब मैंने आके यहाँ पे हेड किया उस प्रोजेक्ट को, और फिर मैंने जब उसे टेकअप किया, तो उसके बाद में उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान, नॉट इन द वर्ल्ड. दुनिया में बहुत काम हो चुका है, पाकिस्तान में नहीं हुआ था. तो पाकिस्तान में रहते हुए उसका एक प्रोटोटाइप बनाना बहुत मुश्किल था. वो जो है वो आई डिड दैट एंड उसमें ये है कि हिस्ट्री को आपने हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया. आई थिंक दैट मस्ट बी वेरी वेरी दैट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. यहाँ पे रहते हुए जिस पे मैं क्या बड़ी प्राइड ले सकती हूँ वो ये कि एक सिस्टम इवॉल्व हो गया है, उस सिस्टम के अंडर काम चलता रहेगा, क्योंकि आर्काइव्स के अंदर हज़ारों नहीं लाखों डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो उनकी सबकी डिजिटाइजेशन, उसका प्रोसेस. तो उसका फ़ेज़ वन जो है हमारा कंप्लीट हो गया. फेज़ टू हमारा जो है ये जुलाई 22 से फिर 3 साल का है वो आगे वो. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट लोकली बट ग्लोबली, बिकॉज पीपल सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन कॉन्टैक्ट आर्काइव्स एंड दे कैन हैव एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर गोइंग थ्रू सम प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, और वो उनकी एक्सेस जो है तो डोंट हैव टू कम टू आर्काइव्स. वो वहीं से अपना पेपर जो है उसको, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो ऑनलाइन जो है, एंड आई एम श्योर बहुत उसमें इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ पे. तो जो कहते हैं ना कि फारसी में हज जा भाई जास्त, तो मैं तो जब भी कोई कैबिनेट खोल लूँ, कोई भी फाइल खोल लूँ, फिर मेरा हिलने को दिल नहीं करता, खजाना निकल आता है, खजाना निकल आता है. तो वो एक चीज़ जो है आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है, और ये हम PITB के साथ उनके साथ कर रहे हैं. लेकिन जो वो टेक्निकल और उसकी टेक्नोक्रेटिक जो थी सपोर्ट, वो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मिली है. सो दिस इज़ समथिंग विच आई थिंक विल इंशाल्लाह लास्ट लाइक एजेस, और आने वाली जनरेशन जो है वो शायद पता नहीं मुझे याद रखें या ना रखें, लेकिन ये कि एक सिस्टम मौजूद होगा जिससे कि लोग आइंदा कई सालों तक इससे फ़ायदा उठाएंगे. और ये जो एक प्रोसेस शुरू हो गया, ये प्रोसेस जो है वो मेरे ख्याल मेरी रिटायरमेंट के बाद भी चलता रहेगा इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट टू यू डॉक्टर कंवल. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इट कैन गो फॉर आवर्स ऑनेस्टली. जिस तरह हम हिस्ट्री को जानते हैं और बचपन में जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, आई ऑलवेज थॉट कि बड़ा सीरियस सा, थोड़ा बोरिंग सा, ड्राई सा वो सब्जेक्ट है. बट इस रिकॉर्डिंग से पहले भी जैसे हम बात कर रहे थे, द वे यू डिस्क्राइब थिम दे वॉज सो इंटरेस्टिंग, एंड नाउ आई नो कि आपको क्यों इतना इसमें पैशन इतना नज़र आया और क्यों आप इसके अंदर इतना इन्वॉल्व होती गई. सो इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, एंड वी विश कि आप जैसे और बहुत से लोग इस तरह आएँ जो हमारे जो इतना ब्यूटिफुल कल्चर है उसको ज़िंदा रखने के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाते रहें और उसके लिए कोशिशें करते रहें. बहुत सी दुआएं आपके साथ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. जो आप नेक काम अभी कर रही हैं, सब कुछ अच्छी तरह से उसको डिजिटलाइज कर रही हैं, ऑल द बेस्ट कि जल्दी जल्दी आप अपनी रिटायरमेंट से पहले इसको ख़त्म करें. थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं आपसे, और वो हम अपना अनारकली वाला भी ज़रूर. अब आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से पहले. सो हैप्पी कि उसको जल्दी हम कवर करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी नादिया. लेकिन ये जो आपने एक सिलसिला शुरू किया है कि हाउ टू टेल पीपल एंड हाउ टू इंस्पायर देम, तो उन सबको सिर्फ ये एक बताना है कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, कोई भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती है, और कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होती टिल द डे यू डाई. तो ये एक बड़ी मुश्किल स्ट्रगल है. ये वो आपने बताया ना कि आप पोइट की बेटी हैं, एंड में जाते जाते वो लाइन से पता चल गया. बिल्कुल सही. बट आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल पोइटिक एंडिंग आपने कर छोड़ी. वेरी अप्रिशिएटिव इंसेंटिव दैट यू हैव, प्लीज कैरी ऑन विद दैट. जाते जाते जैसे आपने बात की, जरूर कहना चाहूंगी कि एक छोटा सा एक एफर्ट है, बट इसमें भी बहुत हर्डल्स आई. इनकरेजमेंट जो थी बहुत कम थी, और जिनकी शायद मुझे मैटर करती थी बहुत ज़्यादा उनकी बहुत थी, बट बहुत से लोगों की जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी नहीं थी. बट एज़ वी डिस्कस्ड बिफोर कि आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा उसके बारे में सीरियस नहीं होना है. जो आप जानते हो आप जो कर रहे हो ठीक है कि नहीं, और आप उसे खुश हो रहे हो या नहीं, बस
करते जाओ डिग्निटी से जो भी काम करो, स्पेशली हर इंसान को, बट स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, इट हैज टू बी मोर विद मोर डिग्निटी. यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, नॉन एट ऑल. एंड यू गेट ऑल काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड एवरी काइंड ऑफ यू नो काइंड फैसिलिटेटेड बाय पीपल अराउंड यू. ये भी एक है कि जितने लोगों ने हमारी मुश्किलात में इजाफा किया, लेकिन उसके साथ साथ हमें उससे कहीं ज्यादा लोग मिले जिन्होंने हमें बहुत आसानियां दी और अल्लाह ने बहुत आसानियां और पैदा की. थैंक यू सो मच. Thank you so much, viewers. I really hope you liked the show. Thank you.